अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू नसरीन ईट चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पिज़्ज़ा रेसिपी। तो यहाँ मैंने 2 कप मैदा लिया है, 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून चीनी, 1 टेबलस्पून ईस्ट और 3 to 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। इन सब चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद पानी की मदद से आपने डो बना लेना है। इसका सॉफ्ट सा ऑयल लगाकर इसको 1.5 से 2 घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ देना है, जब तक इसका साइज़ डबल ना हो जाए। या मैंने 1 कप बोनलेस चिकन ली थी, जिसमें मैंने 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 टेबलस्पून तिक्का मसाला लगाकर इसको 30 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ दिया था। 30 मिनट्स बाद मैंने 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल करके इसको अच्छे से कुक कर लेना है। ऑयल गर्म हो गया तो मैंने यहाँ चिकन ऐड कर दी थी और इसको मीडियम फ्लेम पर कुक कर लिया था, इतना कि ये अच्छे से गल जाए और इसका पानी जो है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। चिकन हमारा तकरीबन रेडी हो चुका है। मैंने इसको फ्लेम हाई करके अच्छे से भून लिया था। उसके दूसरे साइड हमारा डो जो है वो अच्छे से राइज हो चुका है, साइज़ डबल हो गया है। अब आपने मैदा डस्ट करके इसको अच्छे से गूंदना है, इसकी एयर सारी आपने निकाल देनी है। फिर मैंने 2 स्मॉल पिज़्ज़े रेडी किए थे, तो मैंने 2 स्मॉल साइज़ की रोटी बेली, इसके ऊपर मैंने होममेड पिज़्ज़ा सॉस लगाया है। इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ जल्द शेयर करूँगी। 2 टेबलस्पून मैंने पिज़्ज़ा सॉस दोनों पिज़्ज़ा पर लगा दिया था। अब ऊपर से जो हमने चिकन रेडी करके रखी थी वो इसमें लगाएंगे, और शिमला मिर्च को मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था स्लाइसिस में, और प्याज। इस स्टेज पर आप जो आपको वेजिस पसंद हो तो वह आप ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ सिर्फ शिमला मिर्च और प्याज ऐड की थी, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने जो है वो कुछ ऑलिव्स और मेरे पास पड़े हुए थे, मैंने वो भी शामिल कर दिए थे। ये ऑप्शनल हैं, अगर आपको पसंद हो तो आप लगा सकते हैं, ना पसंद हो तो आप ना लगाएं। फिर यहाँ पे मेरे पास मोज़रेला और चेडर चीज़ थी, तो वो मैंने दोनों डाल दी थी। मोज़रेला और चेडर दोनों डालिएगा, तभी फ्लेवर बहुत मज़े का आएगा। और अगर ना भी हो, कोई एक ही चीज़ हो तो आप उसे भी काम चला लीजिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है, आप स्किप कर सकते हैं। या मैंने मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों ऐड कर दी थी। चीज़ कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, ऑप्शनल है। ऊपर से मैंने थोड़ी सी रिच कुटी हुई लाल मिर्च और ऑरेगानो स्प्रिंकल कर दिए थे। ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया था 180 पर 15 मिनट्स और 180 पर ही बेक होने के लिए छोड़ दिया था 20 मिनट्स के लिए। पिज़्ज़ा हमारा बेक बहुत अच्छे से हो चुका है, बहुत अच्छे से राइज आ गया है, कलर भी आ गया है और मज़ेदार सा हमारा पिज़्ज़ा रेडी है। ज़रूर ट्राई करनी है आपने ये रेसिपी, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और नसरीन ईट चैनल को सब्सक्राइब करें। आई वेट योर फीडबैक। अल्लाह हाफिज़।